अश्वनी वैष्णव ने कल शाम दुर्घटनाग्रस्त हुए बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुई इस दुर्घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत और 36 लोग घायल हो गए। बचाव और राहत का कार्य तेज कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रूपये और सामान्य रूप से घायलों को 25-25 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट है, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। कल हमने कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहां पे साइट पे आया हूं और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है, और जो इंजर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ, और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले, और रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है ताकि इस तरह की घटना कभी भी फिर से पुनरावृत्ति न हो, रिपीट न हो। दुर्घटना के बारे में जानकारी देने के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 03612731622 और 273162323 जारी किए हैं। प्रदेश